वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग अपने खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, स्वाद स्वाद में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाती है। इसलिए आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में। ये एक तरह का पाचन रोग है, इसमें पेट का एसिड फूड पाइप में जमा होने लगता है। अगर ये दिक्कत कई समय तक बनी रहे तो इससे अल्सर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या है ये डिजीज़ और क्या है इसका इलाज, इन्हीं सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर सुभाष अगल। डॉक्टर अगल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है और कैसे इसका हमारे पाचन तंत्र पे और हमारे शरीर पर असर पड़ता है। सो दर्शकों, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जानने के लिए सबसे पहले अपने को अपना शरीर का एनाटॉमी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह से खाना जाता है अन्न नली और इसोफेगस में। इसोफेगस जो चेस्ट में होती है और इसके कंटिन्यूटी में स्टमक होता है जो एब्डोमन में होता है। okay. उसको हम हिंदी में आमाशय। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में स्टमक से जो है एसिड और फूड कंटेंट्स रिफ्लक्स होके फूड पाइप में आता है जो कि चेस्ट में है। okay. इससे आपको कुछ तरह की परेशानियां होती है। okay. इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। okay. और जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जैसे हफ्ते में दो बार या इससे ज्यादा, तो हम इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। ओके, तो एक कुछ पर्टिकुलर खाने पीने, जैसे हम बोलते हैं तला भुना मसालेदार खाने से ही होता है या नॉर्मल कुछ भी चीज खाने से होता है? जनरली इसका जो मूलतः रीजन है वो खाने से इतना संबंध नहीं है। okay. ये डिजीज खाने से बढ़ती और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो मूलतः डिजीज है किसी खाने से संबंधित नहीं है। लेकिन डिजीज कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है अगर आप कुछ खाना, किसी तरह का खाना ज्यादा खाएं या किसी तरह का खाना कम खाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजी ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ऑल दोस जिसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, अगर वो आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पियेंगे, तो उससे बीमारी के लक्षण ज्यादा होने के चांसेस हैं। अगर आप फ्राइड फूड ज्यादा खाएंगे, ज्यादा मसालेदार, तो ये इसके सिम्टम्स ज्यादा होने के चांसेस हैं। पर मूलतः खाने से भी ज्यादा संबंध है इसका आपके बॉडी की बनावट से। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी में फूड पाइप होता है या अन्न नली होता है जो चेस्ट में होता है और स्टमक जो पेट में होता है। इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर या वॉल्व होता है जो मस्कुलर वॉल्व होता है। okay. जब हम खाना खाते हैं तो ये वॉल्व रिलैक्स हो जाता है और खाना नीचे स्टमक में जाता है। okay. उसके बाद ये जो स्फिंक्टर है, वॉल्व है, बंद हो जाता है। okay. लेकिन अगर किसी वजह से ये वॉल्व ढीला हो जाए, लूज हो जाए, वीक हो जाए, या फिर ये एबनॉर्मली ज्यादा टाइम के लिए रिलैक्स रह जाए, तो स्टमक कंटेंट्स और स्पेशली एसिड जो स्टमक में होता है वापस बैक फ्लो होके फूड पाइप में आता है। okay. इससे आपको तकलीफ या रिफ्लक्स होता है। okay. और ये जब रिफ्लक्स है, ये जो आप भुना हुआ खाना, तला हुआ खाना या स्पाइसी खाना या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से इनके ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ओके, डॉक्टर हमें आसान भाषा में गैस और एसिडिटी में अंतर भी बताइए, इन दोनों में फर्क क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो ये जो आम आदमी जो टर्म यूज करता है गैस और एसिडिटी, स्टमक के किसी भी सिम्टम को गैस या एसिडिटी बोलता है। okay. लेकिन ऐसा कोई टर्म नहीं है। अगर आप 10 जनों को पूछेंगे कि गैस क्या है, 10 डिफरेंट आपको आंसर मिलेंगे। कुछ कहेगा कि पेट फूलता है, ये गैस है। कुछ बोलता है कि डकार ज्यादा आ रही है, तो गैस है। कुछ बोलते हैं खट्टी डकार आ रही है, तो गैस है। कुछ बोलते हैं कि नीचे से हवा ज्यादा निकल रही है, तो गैस है। तो इसके मायने अलग अलग आदमी अलग तरह से इंटरप्रीट करते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग गैस उसको बोलते हैं जब उनको डकार ज्यादा आती है, चाहे वो खट्टी डकार हो चाहे प्लेन डकार हो। जब डकार ज्यादा आती है तो उसको वो गैस बोलते हैं, और पेट फूलने लगता है साथ में तो उसको गैस बोलते हैं। एसिडिटी का सिंपलिस्टिक टर्म्स में मतलब है जलन।
जी चाहे वो पेट में हो चाहे चेस्ट में। चेस्ट में हमने आपको बताया कि अन्न नली होती है, तो अन्न नली में एसिड इरिटेट करता है तो जलन होती है, कभी कभी चेस्ट पेन होता है, तो उसको मूलतः एसिडिटी बोलते हैं। ओके। जो ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि आपने कहा कि हफ्ते में 2 बार हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट कभी आप पर्टिकुलर हफ्ते में या 15 दिन में खाते हैं कुछ और तब होता है, तो इसको हम नॉर्मल कंसर्न मानेंगे। बट अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो हम कब डॉक्टर को दिखाएं, किन लक्षणों पर डॉक्टर को दिखाएं? तो रिफ्लक्स बहुत अनकॉमन नहीं है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम सब लोगों ने कभी कभी ये एक्सपीरियंस किया है, जी स्पेशली उन खानों के साथ जो मैंने आपको बताया कि स्पाइसी या फ्राइड फूड जी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इसकी हफ्ते में 2 बार से ज्यादा हो या फिर सिवियर सिम्टम हो, ज्यादा जी ज्यादा तीव्रता का सिम्टम हो, चाहे हफ्ते में एक ही बार हो, तो भी उसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। ओके अगर आपका ये ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे डाइजीन, जेलुसिल या कोई भी एंटासिड्स, लिक्विड एंटासिड, म्यूकेन जेल, बहुत तरीके के बहुत सारी कंपनियां एंटासिड्स बनाती है, उनसे अगर ठीक नहीं हो रहा है, उसके चलते भी आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, क्योंकि कई लोग ना सर आदत बना लेते हैं कि आपको जरा सा एसिड हुआ, आपने डाइजीन ले ली या एक गोली खा ली, उसको डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते और इतना डिले होता जाता है कि इससे बहुत नई बीमारियां, बड़ी बीमारियां हो सकती है, उसका खतरा बढ़ जाता है। यू राइट, एक आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं जी या आपके सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या फिर आपको कुछ अनयूजुअल सिम्टम लग रहे हैं, जैसे खाना खाने में अटकना है, जैसे चेस्ट में पेन होना है, जैसे बहुत लंबे टाइम तक ड्राई कॉफ रहना है, अगर इस तरह के एबनॉर्मल सिम्टम आ रहे हैं वो जो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, और रूटीन ओवर द काउंटर मेडिसिन को से भी आपको कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो तो डॉक्टर को आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना ही जी है, जी जी क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, जो अगर टाइम रहते हुए आपको पता लगा तो अच्छा हो सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जैसा आपने बताया, कभी कभी कैंसर जैसा जी बीमारी समस्या भी भी हो इसमें सकती है। हो सकता है। जी, आपने अभी इसकी वजह बताई, काफ़ी तला मसालेदार खाने का या सोडा पीने से वजह से हो सकता है, पर प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाएं इसको देखती हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? क्या प्रेगनेंसी ही खुद में एक वजह है, और इसका इलाज क्या है प्रेगनेंसी में? जैसा मैंने बताया कि बेसिक जो रीजन है इसका, फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो वॉल्व है वो ज्यादा टाइम तक रिलैक्स रहता है, तो स्टमक कंटेंट्स चेस्ट में आता है और उससे आपको जलन या चेस्ट पेन या इस तरह के डकार या इस तरह के खट्टी डकार या इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। प्रेगनेंसी में एक तो यूट्रस में जब बच्चा साइज होता है बड़ा तो होता यूट्रस जाता बड़ा है। होता है जी और वो स्टमक को कंप्रेस करता है, स्टमक कंप्रेस करता है तो स्टमक के कंटेंट्स जो हैं ऊपर चेस्ट में या फूड पाइप में पुश होते हैं, उससे आपको सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं। ओके दूसरा, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जी प्रेगनेंसी में जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो अपना स्फिंक्टर है, जो फूड पाइप स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। इस प्रेशर तो होता ही है, साथ में वो जो स्फिंक्टर रिलैक्स होने से भी उसका जो तीव्रता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये मूलतः रीजन है प्रेगनेंसी में सिम्टम्स ज्यादा होने का। ओके प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर आप ओबेज ओबीज हैं, अब अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी स्टमक पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और स्टमक के कंटेंट्स जो हैं फूड पाइप में आने के चांसेस रहते हैं, जी उससे आपको सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ओके डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए, एसिड रिफ्लक्स कितनी तरह के होते हैं? रिफ्लक्स जो है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, कभी कभी पित्त का रिफ्लक्स हो सकता है, बाइल का रिफ्लक्स हो सकता है, सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, तो और उसका ट्रीटमेंट भी मोर और लेस सेम ही होता है, तो दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स या बाइल रिफ्लक्स, उसमें दोनों में जलन या फिर चेस्ट पेन जैसी सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप इसको स्टेजेस में देखा जाए कि किस कितनी स्टेजेस में रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है, उस तरह की 4 स्टेजेस हैं जिसको हम रिफ्लक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो माइल्ड रिफ्लक्स, दूसरा मॉडरेट रिफ्लक्स थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा, फिर तीसरा सिवियर रिफ्लक्स, और उससे भी अगर ज्यादा आगे बढ़े तो कभी कभी
अंदर की लाइनिंग में फूड पाइप में चेंजेस होने लगते हैं, okay. उसको हम बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं, वो टाइप फोर ऑफ रिफ्लक्स, टाइप फोर और स्टेज फोर रादर, इट्स नॉट टाइप, बेसिकली स्टेजेस, बिकॉज ये स्टेजेस में समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हर स्टेज का डील करने का तरीका अलग होता है. okay. कितना एग्रेसिव आपको ट्रीटमेंट करना है वो आपकी स्टेज पे डिपेंड करता है. ओके डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए गैस इनडाइजेशन और खट्टे डकार की समस्या से बचने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो जो आपकी बनावट में चेंजेस हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे आपको फूड पाइप स्टमक में वॉल्व लूज है या स्टमक जो है ऊपर की तरफ खिंच गया है, पुल अप हो गया है, जिसको हाइटस हर्निया बोलते हैं, उसके लिए तो बिना सर्जरी के आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं और आपको उससे काफी मात्रा में रिलीफ भी मिलेगा. okay. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरवेट हैं, वेट लॉस आपको करना है. जी. वेट लॉस जो है वजन कम करना हर बीमारी के लिए अच्छा है, नॉट ओनली फॉर एसिड बट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जितने भी बीमारियां हैं ज्यादातर वेट से कंसर्न है और हर बीमारी में आपको हेल्प मिलेगा अगर आप वेट लॉस करें. जी. दूसरा, कुछ इस तरह की आदतें हैं जैसे एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है, टोबैको एडिक्शन है, अगर ये आप कम करेंगे तो आपको रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे. क्यों? कि एसिड जो है ज्यादा बनता है अगर आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको अगर आप स्मोक करते हैं या च्यू करते हैं तो भी स्टमक की लाइनिंग इरिटेट होती है और आप एसिड ज्यादा बनाते हैं. तो स्मोकिंग से फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो वाल्व है और ज्यादा रिलैक्स हो जाता है. तो आप देख रहे हैं इन सब चीजों से रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस. अगर अगर आप पेन किलर्स खा रहे हैं जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, अगर आप ये पेन किलर खा रहे हैं तो भी स्टमक की लाइनिंग इरिटेट होती है, एसिड ज्यादा बनता है, एसिड ज्यादा बनेगा तो रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे. तो इस तरह से आपको तकलीफ ज्यादा होने के चांसेस हैं. ओके डॉक्टर, मेडिसिन कौन सी कारगर रहेंगी? आपने ये तो लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए हैं, मेडिसिंस कौन सी रहेंगी कारगर? मेडिसिंस का जहां तक संबंध है, अगर आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप ओवर द काउंटर एंटासिड जो अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया डाइजीन, जेलुसिल, म्यूकेन जेल, अगर आप 2-3 चम्मच सिरप उनका किसी का ले लें तो तुरंत रिलीफ मिलता है. बिकॉज ये अल्कली होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इमीडिएट एक्शन होता है और आप रिलीफ महसूस करते हैं. लेकिन ये डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रिफ्लक्स की ज्यादा है तो सिर्फ ओवर द काउंटर एंटासिड से आपको काम नहीं चलने वाला है. okay. उसके लिए आपको चाहिए एसिड को सप्रेस करने वाली मेडिसिन, जैसे उसको हम मेडिकल टर्म्स में हिस्टामिन ब्लॉकर्स बोलते हैं, एच ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल रेनिटिडीन हुआ, सिमेटिडीन हुआ, फेमोटिडीन हुआ, ये एसिड ब्लॉकर्स हैं, एसिड को सप्रेस करते हैं, एसिड की क्वांटिटी जो है कम प्रोड्यूस होती है तो रिफ्लक्स कम होता है. okay. अगर आपको उससे भी रिलीफ नहीं है तो हम और ज्यादा स्टेप अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जैसे ओमिप्रोजोल, जैसे रेबिप्रोजोल, लेंसिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, ये सब जो है हायर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिससे एसिड सप्रेशन का जो क्वांटिटी है और ज्यादा होता है और ज्यादा इफेक्टिव है. तो स्टमक में जो एसिड बनता है इतना कम बनता है कि रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. लेकिन फिर भी मेडिसिन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और या इक्वल इंपॉर्टेंस भी दे जाए तो वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपको बताया. जी बिल्कुल. और उसके अलावा भी कुछ चीजें और तो आपको फॉलो काफी सारी बीमारियों का ही हल हो जाएगा हमारा अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर ले तो. बिल्कुल. इसके अलावा जो स्पेसिफिक इस डिजीज के लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो ये है कि आप खाना खाने के बाद 2-3 घंटा लेटेंगे नहीं. जी. अगर आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो ग्रेविटी के चलते स्टमक कंटेंट्स जो इंक्लूडिंग एसिड वो रिफ्लक्स होके फूड पाइप में आता है और आपको परेशान करेगा. दूसरा, अगर आप खाना खाने के बाद कुछ लिक्विड्स लेते हैं तो वो अगर आप लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है खाना खाने के तुरंत बाद तो वो रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे बटर मिल्क हो, कोई जूस हो, एनी लिक्विड अगर वो स्टमक में जाएगा खाना खाने के तुरंत बाद तो उसके रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तीसरा, अगर आप खाना खाने के बाद नीचे झुकने की कोशिश करेंगे, इफ यू बेंड ओवर योर बैक आगे की तरफ, नीचे से आपको फ्लोर से कोई चीज उठानी है तो आप अगर अपनी स्पाइन को या बैक को बेंड होकर उठाएंगे तो उसमें रिफ्लक्स होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इंस्टेड आपको अपना घुटना मोड़ के नीचे से उठाना चाहिए. जी. कुछ 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 लोगों को
इस चीज से भी रिलीफ मिलता है कि अगर वो हेड एंड अपने बेड को अगर रेज कर लें, 6 इंच बाय 6 इंच वुडन ब्लॉक्स रख लें हेड एंड की तरफ बेड से, तो उसका पूरा जो हाफ ऑफ द बॉडी है, नॉट ओनली हेड बट हेड और बैक ऊपर रहेगा अराउंड स्लोप में, तो उसमें रिफ्लक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके डॉक्टर, मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहती हूँ कि कई लोग ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी होम्योपैथ का, कभी एलोपैथ का, तो जो ये कॉम्बिनेशन है वो कितना गलत है? देखिए ऐसा है, कुछ लिमिट तक तो वो असर करती हैं, जैसे माइल्ड रिफ्लक्स तक तो वो समझ में आता है, और कुछ कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब पेशेंट को ये लग रहा है कि हाँ कुछ मेडिसिन जा रही है, और इट हैज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो उससे माइल्ड सिम्टम्स में रिलीफ होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर आपका स्टेज रिफ्लक्स डिजीज का मॉडरेट है या सिवियर है, तो इन हर्बल मेडिसिन से कुछ रिलीफ होने की संभावना बहुत कम है। उल्टा अगर आप डिले करेंगे तो उससे सिवियरिटी बढ़ेगी, उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जैसे फूड पाइप में अल्सर होना, फूड पाइप में रुकावट होना, नैरोइंग होना, उससे फूड पाइप में खाना अटक सकता है। कभी कभी ब्लड वॉमिटिंग होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अल्सर में ब्लड वेसल जो है अगर रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। जी इसलिए होम रेमेडी माइल्ड सिम्टम्स तक ठीक है, जी उसके बाद उस पर डिपेंड करना ठीक नहीं है। जी डॉक्टर, लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, अगर इसको अनदेखा करा जाए तो कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियां हो सकती है, क्या और भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं इससे? अगर आपको इग्नोर करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स बराबर होता रहेगा, एसिड जो है फूड पाइप को इरिटेट करता रहेगा, जी फूड पाइप को इरिटेट करेगा तो वहां अल्सर बनने के चांसेस हैं। अगर अल्सर्स की साइज बढ़ती जाएगी तो वो उसकी पूरी सरकमफेरेंस को इन्वॉल्व करेगा, और इस तरह के अल्सर डीप अल्सर बनाएगा। जब बॉडी उसको हील करेगी तो उसमें नैरोइंग या स्ट्रिक्चर होने के चांसेस हैं, तो उससे आपको खाना अटक सकता है, और उसके लिए आपको फिर सर्जरी या एंडोस्कोपी से डायलिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा, कंटिन्यूअस इरिटेशन से कभी कभी इंटरनल लाइनिंग चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। जी नाउ बैरेट्स इसोफेगस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये पहले इन्वेंशन किया था, उसके नाम से बैरेट्स बोलते हैं। लेकिन उसका सिंपल वर्ड में मीनिंग ये है कि उसका जो लाइनिंग है फूड पाइप का, वो स्टमक की लाइनिंग से मेल जोल कर मतलब मिला हुआ स्टमक की लाइनिंग के जैसा लगता है, और उससे स्टमक की लाइनिंग का चेंज होने से उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओके फॉर्चुनेटली इंडियन रेस में बैरेट से कैंसर होने के चांसेस उतना ज्यादा नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में है। वो ओके शायद अपना जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा होता जी है, जी क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हम देख रहे हैं आजकल फूड पाइप का जो कैंसर है, जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, जो रिफ्लक्स डिजीज को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है, उसकी जो इंसिडेंस है बहुत बढ़ता जा रहा है। जी लेकिन इंडियन रेस में या इंडियन एथनिक ओरिजिन में जो लोग हैं अपन, उसमें चांसेस जीरो नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जी लेकिन संभावना जरूर है कि बैरेट से कैंसर इसोफेगस हो सकता है। जी मतलब इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, और अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल मॉडिफिकेशन बहुत करना ज़रूरी है। डॉक्टर बिल्कुल आपका सो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमने जाना गैस्ट्रोइजोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में, कैसे हमारी खाने पीने की आदतों से ही हम किस तरह परेशान रह सकते हैं। डॉक्टर ने इससे बचने के उपाय भी बताए, उम्मीद है डॉक्टर की बताई सलाह आपके काम जरूर आएगी। इसी तरह सेहत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर शाम 5 बजे फेसबुक लाइव पर। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 Digital के न्यू इनिशिएटिव TV9 Van के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention
TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.